मतलब ट्रैक्टर हल मतलब चला, क्या समझो, मिनी मिनी ट्रैक्टर। सारे पुर्जे अपने आप ही लगाए रखे। और जुगाड़ है ये, स्कूटर और टायर है, ठीक है, चेन सेट पर इसको खाना हो रहा है, चलिए जी, और आपको बाइक का मिलाते ना हैं किसी से जिन्होंने, मतलब इंडिया में कहते हैं ना, जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी इंडिया में जो काफी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, और उनमें से एक किसी का परिचय करवाते हैं आपसे। और ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्कूटर से जो एक ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर तैयार किया है। पहले आप ट्रैक्टर देख लीजिए, पूछते हैं इनसे, भाई साहब से इतनी जाओगे थोड़े। ये देखिए, ये है इनको बनाने वाले। तो सबसे पहले तो मैं बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आपके टैलेंट की तारीफ जितनी करें उतनी कम है। ये जुगाड़ लगाना किसी किसी के बस की बात है। तो ये आपने अपने आप बनाया है? अपने आप बनाया अपने है। आप अच्छा, आपके गांव का क्या नाम है? दाती दाती। ठीक है, तो आपके दिमाग में कैसे आया ये विचार कि जो है हमें ये चीज तैयार करनी है? किस तरह से, जो पहले देखा होगा आपने कहीं किसी को, जैसे YouTube पे देखते रहते थे। यूट्यूब पे देखते रहते हैं ये। अच्छा, तो ये स्कूटर था आपका, सेकंड हैंड स्कूटर लिया था ऐसे ही। सेकंड हैंड स्कूटर लिया था? अच्छा, और उसी से आपने ये पूरा जो है तैयार कर दिया, मतलब कंप्लीट है अबे? कंप्लीट है बस, अच्छा, आपने चला दिया खेतों में, नहीं अब ट्रायल करना है ट्रायल तभी करना है? चलो, आप मुझे बता दीजिएगा जब आप ट्रायल करेंगे, मैं आऊंगी जरूर। और ऐसी चीजें दिखानी चाहिए, लोगों के सामने लानी चाहिए। तो कहते हैं ना कि पैसे नहीं ये ले नहीं सकते। तो इन्होंने तो कितना कितना खर्चा आया होगा आपका इसको बनाने में? इसमें बस तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये। 15-18 हज़ार रुपया। बाकी वैसे ट्रैक्टर 55 हज़ार से शुरू है, छोटा ट्रैक्टर अगर लेना हो तो इसमें अपने, ये देखो आप देख सकते हैं इसमें स्कूटर का, ये तो मैंने भी देख लिया, पहचान लिया टायर इसमें स्कूटर के। और ये जो हल है नीचे, ये देखिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है आपका काम, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई, थैंक यू भाई जी। और जब आप चलाएंगे इसको तो मुझे जरूर कंफर्म कीजिएगा। हाँ, वीडियो भेजना जरूर। हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी। तो आपने देखा ये ट्रैक्टर बनाया है हमारे एक भैया ने, तो जुगाड़ वालों की कमी नहीं है। और ये है गांव बागा, हम गए थे यहाँ से वोट मांगने, हमारे गांव से खड़ी एक बीडीसी के लिए, तो जाना पड़ता है, मतलब साथ में अपने गांव का कोई खड़ा हो तो उसकी सपोर्ट तो करनी पड़ती है, ठीक है। ये लड़की है जो सबसे पीछे है। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी, बहुत अच्छा लगा। और ये गांव बागा है जो बहुत ही प्यारी जगह, यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर भी है, तो थैंक यू दीदी, वो भी वीडियो देखते हैं। तो ये था आटा और ये है पोस्टर, तो इस तरह से आटा मतलब गोंद इसमें जो भी था तो इस तरह से हम लगा रहे थे। और ये अभी हम निकल रहे हैं, और ये लोगों के पशु थे एक, मतलब पता है, और थकान इतनी ज्यादा हो गई थी ना कि बस खाना खाने को मन नहीं कर रहा था, और मतलब बहुत बुरे हाल थे, तक तो मुझे एक एक घर में जाना। और सबसे प्यारी जो मुझे जगह लगी वो बागा ही था, बहुत प्यारी जगह लगी मुझे यहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे। ये देखिए ये पत्थर यहाँ पे, और ये मंदिर है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी सुंदर जगह है ना। पर आप ना बहुत स्किप करते हो वीडियो, क्या दिखाना लोगों, कुछ लोग ऐसे ना बिल्कुल भी, कल की और परसों की वीडियो को तो बहुत बुरे हाल हुए, लोगों ने देखी नहीं वो। तो यहाँ पे हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो ये पत्थरों के बीच से हमें आदत होती है यहाँ से चलना। तो ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर था माता रानी का, तो उस वहां को हम जा रहे थे, यहाँ से हम दूसरे गांव को निकल जाने थे। तो ये देखिए पत्थर ही पत्थर थे यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है उस चीज को वो करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है माता रानी का, यहाँ पे हमने मत्था टेका, मैंने बोला कि मंदिर में तो जरूर जाना है, रास्ते में मिला, बहुत से गांव घुमाऊंगी। तो ये हैं मंदिर के पुजारी भैया, ये हमें रास्ता बता रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ आप दूसरे गांव को, साथ में दूसरा गांव है। तो एक अनुभव मिल गया, मतलब अच्छा लगता है पैदल ही घूमने, सारे पैदल घूमते हैं, गाँव में जाना तो गाड़ी कहाँ ले जानी।
ये देखिए, फिर मैं ऊपर से बिल्कुल टॉप से मैं इस गांव का जो ये ले, इसको कैप्चर कर रही थी यहाँ का सीन। तो मतलब भूख प्यास सब कुछ, और एक मजा भी आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए मुझे तो बहुत प्यार अच्छा, तो यहाँ पे इतनी प्यारी सब कुछ दिख रहा था, यहाँ से इतनी हाइट पे थे ना। जबकि अभी मैं थोड़ा और आगे चलूंगी तब आपको दिखाऊंगी, पर लोग ना स्किप बहुत करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या शूट करना है, लोगों के बीच में शूट करो और फिर जो जब लोग नहीं देखते ढंग से ना, तो तब नहीं मन करता बिल्कुल भी, वीडियो बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, ये पानी का टैंक, यहाँ पे पशु चराते होने लोग, और ये पानी का टैंक है। और तो यहाँ पे ये देखिए पत्थर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब नजदीक से लेके गई थी मैं फोन कैमरा की, मतलब पता कैसे लग रहे हैं ये पत्थर, जैसे वो कैलाश पर्वत पे वो छोटे छोटे बर्फीले पहाड़ नहीं होते उस तरह से। और ये देवधार वाले का मंदिर, और ये देखिए हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक ही है ये जगह, पर मैं आज तक नहीं गई थी। मेरी शादी को 17 साल हो गए, शादी के बाद पहली बार मैं इस जगह पे जा रही हूँ, पर इतनी प्यारी जगह मुझे भी नहीं था पता भी यहाँ पे इतनी प्यारी जगह। और सामने पहाड़ियां देखिए, और एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी देखो किस तरह से, और ऊपर लास्ट में बर्फीली पहाड़ियां और खेत। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, खेत बहुत प्यारे लग रहे थे। हम दूसरी तरफ को उतर गए अब हम लोग, मतलब ये जो नीचे गांव यहाँ को जाना हमने, तो 4-5 लोग थे हम, और ये लड़की खड़ी है जो आगे चली है मेरे से, एक जो पीछे है जो जिसने कैमरा पकड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जाते हैं वोट मांगने, आपके कैसे होता है प्रचार वो बताना आप भी कॉमेंट करके। तो ये बीडीसी के लिए खड़ी, दो पंचायत का प्रधान नहीं होता उसके लिए। ये देखिए अभी हम नीचे को उतरेंगे इस गांव के बाद, हम बहुत नीचे उतरेंगे सड़क में, और इतना दर्द हो गया ना टांगों में क्या बताऊं मैं आपको। पर एक ना अच्छी मतलब सीख भी मिल जाती है, यहाँ से देख रहे थे हम, ये इसका घर वाला है, हमारा बेटा ही लगता है। और यहाँ पे हम दूसरे गांव में पहुंच चुके थे, और अभी और भी मेरे पास क्लिप्स है बहुत सारी, वो भी मैं ऐड करूंगी। और ये कैक्टस है, और देखिए कैसे कैसे घर बनाए हैं लोगों ने, है ना। ये भी एक अनुभव रहा हमारा, कभी नहीं मतलब देखे थे इस तरह के गांव। गांव नजदीक हैं, दो पंचायतों को होता है, तो हम दूसरी पंचायत में गए थे, नजदीक है पर हमें नहीं पता, मतलब जाते नहीं अपने घर से कोई नहीं जाता इधर। तो ये भी एक देखो कितना प्यारा, फिर मैंने ना सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह पे यहाँ से, और इतने दूर दूर लोगों के घर, ये भगवान मैं क्या बताऊं, बहुत दूर दूर, और इस तरह के खेत होते हैं। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप थी, और यहाँ पे हमें मतलब हमारे लिए ना किसी ने वो खट्टा डाला था, धूपनी जिसको बोलते हैं, वो डाली थी हमारे लिए। ये है बहू हमारी जो खड़ी है बीडीसी के लिए, ये इसका घर वाला है साथ में दूसरी साइड, और ये इनकी मासी का घर है। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए धूपनी बनाई, मतलब खट्टे का नहीं पड़ती जो धूपनी तू बनाई। और ये इनके बच्चे सारे यहाँ पे बैठे, और इनकी लड़की, इसकी मासी की लड़की है, ये अनपोज मेंबर दी वहां के लोगों ने। ये देखिए इतना टेस्टी बना था ना, आहा, आ जाओ आप लोग भी खा लो, मैं भी खा रही हूँ। ये देखिए ये सबको बांट रहे थे, कॉली में शक्कर डाले थे इसमें, और ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत मजा आया खाने का, क्योंकि चाय भी नहीं ज्यादा पी जाती क्योंकि फिर गैस्ट्रिक हो जाती है ना ज्यादा, जान पहचान वाले मिल ही जाते, मतलब काफी अच्छे लोग मिले जहां भी गए, खाना खा लो रोटी खा लो, और बहाने से ही जाते हैं। ये इसका घर वाला है हमारा बेटा, ये चाची लगती है हमें इनकी, तो दोनों मतलब ये भी चाची बोलती है बहू भी। बहू की बर्करी को गए थे जी आज हम, बहू के लिए वोट मांगने गांव की। तो ये देखिए सबके लिए बांट रहे थे यहाँ पे, और ये शक्कर डाल रहे थे, कह रहे थे कि थोड़ा खट्टा है ना तो और शक्कर डाल दो। तो मैं बोलती मेरे को थोड़ा सा और दे दो। और यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं, और देखो बहुत सारे लोग थे। और ये देखिए अब मैं खा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा था खा के। खट्टा। और ये लड़की भी थी साथ में खड़ी हुई, ये इसने बनाई है धूपनी।
दिल सीने ते कड़ी वो गई एड़ी केड़ी होगी गणनी और ये देखिए फिर हम दूसरी साइड को उतर गए थे यहाँ से। अब ये दूसरी जगह है, मतलब जगह 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 पे हमें नया अनुभव मिलता रहा। और ये खेत देखो, ये ऐसे खेत होते हैं हमारे हमारे गांव से। ये गांव है खांगड़ फांजी, फांजी को हाँ फांजी है ये। काफी लोगों ने बोला था कि बहुत पहले बोलते थे कि फांजी का वीडियो बनाना, ये फांजी है यहाँ पे सौग खांगड़ फांजी इस तरह से। तो चलो आप एंजॉय लीजिए। और ये मंदिर रह गया था लास्ट में, इसकी वीडियो रह गई थी थोड़ी सी बना, मतलब क्लिप रह गई थी मुझसे ऐड करने को। बहुत प्यारी लगी थी मुझे, तो मैंने एक बार और कर दी इसकी क्लिप ऐड, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। ये देखिए तो देखिए यहाँ पे जो हम लास्ट गांव है अब यहाँ पे, और बहुत थक चुके थे। और यहाँ पे फिर ये पोस्टर भी लगा रहे थे, एक दो आगे कोई ऐसा करते थे ना हम लोग कि एक दो एक घर को गया, एक दो एक घर को गया, तो इस तरह से ना जल्दी कंप्लीट होता था। और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे लोग मिले। और ये देखिए ये मतलब लोग उन्होंने यहाँ पशु भी बांध के रखते हैं, और पानी की कूल है ना देखिए, बहुत प्यारी जगह थी। और नीचे लोगों ने लहसुन प्याज धनिया सब कुछ लगाया हुआ है, ऐसा होता है देखो पानी ऊपर से और नीचे को सेड़ने को, मतलब सगाई सिंचाई करने को। और यहाँ पे हम जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ जैसे पोस्टर लगाएं, तो ये चिपकते नहीं थे ना पोस्टर जल्दी से, मैं पत्थर के ऊपर लगा रही थी। अच्छा लगता है, अपने गांव का सपोर्ट करना चाहिए सभी को। और पता है हमारे गांव से नहीं, हमारी पूरी पंचायत से एक ही कैंडिडेट खड़ी है, यही लड़की, और कोई भी नहीं है। इसके कंपटीशन को दूसरी पंचायत में, जैसे दो पंचायतों का होता है ना ये, तो दूसरी पंचायत में दो हैं जहां पे अभी हम गए मतलब, और हमारी पंचायत में एक ही लड़की है। तो तब मजा भी आता है, ये क्या इतने ज्यादा खड़े हो जाते हैं फिर किसको क्या वोट दें। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे, और फिर जो हम लोग ये कर रहे थे, ये चिपके नहीं रहा था यहाँ पे। और हम लोग बहुत हंस रहे थे भाई ये क्यों, मैंने कहा ये रह गया, तो चलो मैं यहीं पे वीडियो कैंड करूं। तो इस तरह से हमने वोट मांगे और इस तरह से हम गांव गांव में गए, अच्छा अनुभव रहा, अच्छे लोगों से मिले, बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट करी और बहुत अच्छा लगा। आपको भी वो वीडियो पसंद आया होगा, जगह पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।